रहमतुल्लाहि बरकातुहु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदराबादी तड़का। आज मैं आई हूँ रमज़ान स्पेशल मिक्स वेजिटेबल पकौड़ों के साथ। आप इसकी रेसिपी नोट कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है सेम हैदराबादी नाम के, हैदराबादी तड़का के नाम से, आप उसे फॉलो कीजिए। फेसबुक पर भी है, आप उसे लाइक कीजिए और आप स्टे ट्यून रहिए। देखिए, 3 मीडियम साइज़ ऑनियंस मैंने इस तरह से काट लिए हैं और मैंने 1 मीडियम साइज़ यहाँ पर कैप्सिकम लिया है, उसे भी ऐसे काट लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का लिया है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है और इसे मैंने कूट लिया है। और यहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची ली है, छोटी वाली मिर्च होती है वो लिया है मैंने। और करी पत्ता मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 टेबलस्पून मिर्च डालूँगी इसमें। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप जितना तीखा खाते हैं। और जो करी पत्ते थे इसे हम ऐसे तोड़ लेंगे। देखिए, मैं जो अदरक और जीरा कूट ली थी उसका मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून डालूंगी इसमें। और कैप्सिकम, देखिए मैंने यहाँ पे कोथमीर भी काट दिया था, मैं इसमें थोड़ा सा कोथमीर डालूंगी। देखिए, मैंने कोथमीर यहाँ पे काड़ियों के साथ ही डाला है, ये काड़ियों के साथ ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक लिया है, इस पे जायका आपको जितना चाहिए आप डाल सकते हैं। वैसे तो बेसन में ऑलरेडी नमक होता है, तो आप देख के डालिए। नमक और नमक डाल लिया मैंने, तो पहले हम इसे ऐसे ही मसलेंगे ताकि ये पानी प्याज का और नमक का छुटता है, तो फिर हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैंने अच्छे से मसल लिया, ये ऐसे हो जाना चाहिए। अब मैं इसके अंदर बेसन डालूंगी। आपको इसके अंदर 1 कतरा पानी नहीं डालना है, मेरी अम्मी भी ऐसी बनाती है, मैं उन्हीं से सीखी हूँ ये सब। देखिए, इसे इस तरह से बना लिया मैंने, ना ज़्यादा इसमें आपको बेसन डालना है ना कम, इस तरह से होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। दाल को चेक करूँगी, तेल गरम। जी, मेरा तेल गरम हो चुका है। ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालना है ताकि ये जले ना। देखिए, ये हो चुका है, मैं इसे निकाल लूंगी। मैं बाकी की इसी तरह से फ्राई करके आपको बताऊंगी। देखिए, मैं दूसरा भी डाल दूंगी, सेकेंड रो। बहुत केयरफुली से करिए आप। देखिए, बनकर आ चुका है, आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है ये। देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी बना है ये, देखिए आप, आवाज आ रही होगी आपको। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। फिर मैं आऊँगी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो एक्टिवेट बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोज़।